पंजाब में किसान संगठन भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश में जुट गए हैं। 14 अक्टूबर को आदमपुर की अनाज मंडी में शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ अभियान के तहत प्रदर्शन बड़ी संख्या में किसान पहुंचेंगे। इसके बाद आदमपुर शहर की सड़कों पर उतरकर भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन में पगड़ी समाज जट्टा किसान संघर्ष समिति के सदस्य भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। फतेहाबाद के रतिया निवासी समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनदीप नथवान ने बताया कि इस प्रदर्शन के जरिए शिक्षा बचाने से लेकर फसलों के मुआवजे, बढ़ रही नशाखोरी व गुंडागर्दी पर रोक लगाने जैसी मांगों को उठाया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग आदमपुर की सड़कों पर उतरकर भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के विकास की पोल खोलेंगे। नथवान ने कहा कि एक तरफ सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ स्कूलों को बंद किया जा रहा है, नशे का धंधा बढ़ रहा है, मुआवजे के लिए किसानों को लंबे समय तक धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। नथवान ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के विरोध माहौल बनाया जाएगा। साथियों, कल 14 अक्टूबर को आदमपुर की अनाज मंडी में शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ अभियान के तहत एक प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन की अन्य मुख्य मांगे भी है, जिससे फसल मुआवजे की मांग है, इलाके में हरियाणा क्षेत्र में बढ़ रही नशाखोरी गुंडागर्दी की बात है। इन तमाम मांगों को लेकर कल आने वाली 14 अक्टूबर को आदमपुर की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतरेंगे। सभी साथियों से निवेदन है, क्योंकि आदमपुर का उपचुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव के अंदर भाजपा सरकार विकास के दावे कर रही है, मगर जो धरातल पे है वो विनाश किया जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, किसान परेशान है, फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा, नशे का जो धंधा है लगातार बढ़ रहा है। ये तमाम मांगों को लेकर कल 14 तारीख को 11 बजे आदमपुर की अनाज मंडी में बड़ी संख्या में पहुंचे, क्योंकि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की शुरुआत कल आदमपुर से करेंगे। गांव भूतन कला में बड़े हुए बिजली बिलों में गड़बड़ियों के विरोध में ग्रामीणों ने आज दूसरे दिन भी गांव के 132 केवी सब स्टेशन के बाहर धरना जारी रखा। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक उनका धरना चलता रहेगा। ग्रामीणों ने मांग की है कि बिजली उनको दो दो महीनों के बिल और पंचायती को हटाया जाए। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों राजकुमार सरजीत, मोहर सिंह, राजेंद्र, रामचंद्र, ओम प्रकाश, बहादुर सिंह, कुलजीत, विकास, कृष्ण त्यागी, योगेंद्र सिंह, लक्ष्मण, ओम प्रकाश फगेड़िया, राम सिंह, कृष्ण कुमार, जयबीर, पवन कुमार सुल्तान, विकास, अशोक बैनीबाल सहित अन्य ने बताया कि गांव भूतन कला के ग्रामीणों की बिजली कई कई गुना बढ़कर आई है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले उनका दो महीने का 1500 से 1600 रुपए बिल आता था, मगर अब तक सात विभाग द्वारा 11000 रुपए का बिल भेज दिया गया है। इससे उनका बजट बिगड़ गया है, एक साथ इतना बड़ा हुआ बिल भरना उनके लिए संभव नहीं। ऐसे में विभाग को कोई समाधान निकालना होगा। हालांकि विभाग के जेई और एसडीओ द्वारा ग्रामीणों को इस समस्या के समाधान के लिए आश्वासन दिया है, लेकिन ग्रामीण अधिकारियों के जवाब से संतुष्ट नहीं है और अपना धरना जारी रखे हुए हैं। इस दौरान ग्रामीण मौके पर पहुंची पुलिस से भी बहस करते दिखे। ग्रामीण बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बड़े हुए बिल वापसी की मांग की। हमारा भाईचारा जिंदाबाद।